हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने ऑलरेडी सीरीज शुरू की हुई है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट पार्ट उसका आज हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी एप्लीकेशन को अभी तक जो है डाउनलोड नहीं किया है, तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इस पे आपको जो है आपके कोर्सेज क्लासेस मिलेंगी। डिफेंस के लिए अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो CDS है, चाहे वो AFCAD है, चाहे वो CAPF है, तो वो आप कर सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर जाके आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 50+ फुल लेंथ सेक्शनल एंड PYQ टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। उसी के साथ चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस सेक्शन आपको मिलेंगे, फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय द टॉप एजुकेटर्स। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल जो है 399 में मिल सकती है, और वो भी पूरे ईयर के लिए। मतलब अगर आप पूरे ईयर का 399 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको उसमें अवेलेबल करवाई जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अल्फा सीडीएस बैच जो है वो आपके लिए कंप्लीट बैच रहेगा। अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको सीडीएस की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, जिसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर है। और इसमें संदीप सर भी हैं जो आपको मैथ्स और रीजनिंग करवाते हैं हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए। तो आप ये पूरा का पूरा अगर कोर्स कर लोगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के अलावा अगर हम देखें तो वीर CAPF है, तो कंप्लीट बैच कोर्स है ये CAPF के लिए। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैथ आपको संदीप सर करवा रहे हैं, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो है अक्टूबर 20 से शुरू हो चुका है, तो क्लासेस आप देख रहे होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी जो है कोर्स नहीं लिया है, तो उन सभी को मैं आप बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आप करियर स्टडी लाइफ जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स जो है वो अपने सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिलेंगे। तो आज ही यूज करें करियर स्टडी लाइव जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है, सो दैट कि आपको जो भी कोर्स है वो पूरा का पूरा डिस्काउंट पे मिल सके और आपको मौका मिल सके ताकि आप अपने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पढ़ सके और उसी के साथ तैयारी अच्छे से करके अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर सके। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 4 की आज बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? देखिए, ग्रीन हाउस गैस का मेन जो पर्पस या फिर आप कह सकते हो कि इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो जो है बहुत ज्यादा जो है हीट कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हीट जो है वो धरती पे हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन सी, इट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है एनवायरमेंट पॉल्यूटेड जो है वो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर देखें, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर, तो डायरकी जो है वो किसके टाइम में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म? तो वो रिफॉर्म था मोंटफोर्ट रिफॉर्म, जो कि 1921 में जो है इफेक्ट में आया था। तो उसी के अंडर जो है डायरकी सिस्टम, जिसमें टू सिस्टम्स चलाए गए थे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स का और जो फेमस मिनिस्टर्स थे, तो वो सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द गवर्नर जनरल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, तो उसी तरह से आपको बताना है कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो हैं वो कौन बने थे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जिनको फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो वो पर्सन थे मोहम्मद अली जिना, ठीक है। तो ये थे जिनको जो कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बने थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो फिस्कल पॉलिसी जो है इंडिया में उसको किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता था? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वही फिस्कल पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट करती थी इंडिया में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क का। तो आपने देखा होगा कि जो फैट होता है उसको मिल्क से हम सेपरेट कर देते हैं क्रीम में सेपरेशन के द्वारा, बिकॉज ऑफ, ठीक है, कौन सा फोर्स उसमें जो है वर्क करता है। आपने देखा होगा कि एक मशीन की तरह एक यूज किया जाता है, ठीक है, ग्राइंडर, तो अगर उसको यूज करते हैं तो मिल्क से क्रीम जो है वो अलग हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो कौन सा प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म बेसिकली उसका क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, मतलब उसके सेंटर से जो चारों तरफ को फोर्स लगती है उसकी वजह से जो है वो क्रीम जो है मिल्क से निकलती है। तो दैट इज दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मलेरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जो मलेरिया होता है तो वो बताना है किस वजह से होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से, मॉस्किटो, या फिर प्रोटोजोन, किसकी वजह से जो है मलेरिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटोजोआन की वजह से जो है वो मलेरिया बेसिकली होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। जो हिमाद्री इंडियन रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, तो वो कहाँ पे जो है वो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द आर्कटिक रीजन, ठीक है, जो आर्कटिक ऑशन है तो वहां पे आर्कटिक रीजन में जो है ये इंडिया इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री जो है वो लोकेटेड है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद शाहिद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो मोहम्मद शाहिद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्लेयर का नाम दिया होगा तो आपको बताना होगा कि वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, या फिर कई बार अगर फॉरेनर प्लेयर है तो उनका कंट्री भी पूछ लिया जाता है। तो मोहम्मद शाहिद जो है वो रिलेट करते हैं विद दी हॉकी, ठीक है, हॉकी के वो प्लेयर हैं। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो कलिंगा प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन डी, कलिंगा प्राइज जो है वो साइंस फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड जो है वो दिया जाता है, राइट। एक सेकेंड, नेक्स्ट है, वेन हैड मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है रेजोल्यूशन कब पास किया गया, जो डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट था कि जो कि अंग्रेजों ने बनाया हुआ था कि क्या करें कि दो इनको डिवाइड करें और फिर जो है क्विट करें, ठीक है। तो वो जो मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइड एंड क्विट, तो वो जो है वो कब पास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 10th का दैट इज द ऑप्शन बी, 1943 को, ठीक है, डिवाइड एंड क्विट का है कि डिवाइड एंड रूल के साथ नहीं करना बेसिकली, ठीक है। तो वो मैंने गलत बोल दिया था, डिवाइड एंड क्विट वाला जो मुस्लिम लीग के द्वारा पास किया गया था, और डिवाइड एंड रूल वाला जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था कि इनको डिवाइड करो और फिर रूल करो। लेकिन मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। तो इसका ना इसको कब जो है पास किया गया, तो दैट वाज इन द ईयर 1943। नेक्स्ट है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विद। तो जॉइंट मीटिंग जो है दोनों की कब होती है, ठीक है, कौन से बिल के टाइम ऐसा होता है कि जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कौन होता है, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, लोकसभा के, तो उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग, ठीक है। और 108 जो अमेंडमेंट, सॉरी 108 जो आर्टिकल है उसके अधीन लिखा हुआ है, जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें जॉइंट मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है। और ये कब होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑर्डनरी बिल, ऑर्डनरी बिल के टाइम जो है जॉइंट मीटिंग जो है बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो है वो रखी जाती है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का, ठीक है, विटामिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो विटामिन ई, या तो ये पूछते हैं कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होता है, तो कि अब पूछा हुआ है कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज द टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, ठीक है, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज, देखिए सबसे पहले तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना वो फंडामेंटल राइट था, ठीक है, सेवन फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास, सेवन थे, ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे पास सिक्स फंडामेंटल राइट है और इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो सिक्स फंडामेंटल राइट में अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, अब क्या बन गया है वो बन गया है लीगल राइट, ठीक है, ये यहां पे गलत कर दिया है, एक सेकेंड, लीगल राइट नहीं आएगा, दैट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी में उसको डाल दिया गया है, अब वो जो है राइट नहीं रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब राइट नहीं रहा है, उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया है। हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव बीन डिक्लेयर इन इंडिया, देखो इंडिया में तीन तरह की इमरजेंसी होती है, एक तो होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो 352 आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी का, 356 है स्टेट इमरजेंसी का और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ये तीन आर्टिकल है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इंडिया में कभी भी नहीं लगी है, आज तक कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी भी लग चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी भी नहीं लगी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, हु इज द ऑथर ऑफ द अनसीन इंदिरा गांधी, ठीक है, तो अनसीन इंदिरा गांधी जो है इसके ऑथर कौन है, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए, के पी माथुर, ठीक है, के पी माथुर के द्वारा जो है ये बुक को लिखा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज ए। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है इसका लास्ट जो सेट है सेट फाइव, तो वो हम कल आपको अपलोड करेंगे, तो आप कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।